अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अकेले नहीं निकल रही हूं, मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी निकल रहा है। एक बाप के घर से उसके बच्चे को धक्के मारकर खींचकर निकाला जा रहा है सेठ, वो बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। और कितने पाप करोगे सेठ, कितने पाप। मैं जानती हूं कि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, गुस्सा है, दुखी हैं। और बाबूजी, आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना, तो वो मुझे ऐसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो एक बार तो सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए जो मैं कहना चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपको मेरे साथ क्या करना है। गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। अनमोल, जल के स्थान पर मदिरा। इस भूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा, इससे बच पाना असंभव होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। मैं कोई कचरा नहीं हूँ कि जब जिसका मन चाहा उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी कोई वजूद है। और आप ही के घर के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं। तुम ऐसे सब कुछ बंद नहीं कर सकती, ना हमारा जुबान, ना हमारा घर का दरवाजा। अरे मैं कुछ बंद करना नहीं चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद तय कीजिएगा कि मेरे साथ क्या करना सही लग रहा है। क्या कर रही हो ये तुम? ये तीन लाइंस देख रहे हैं आप लोग? ऐसे ही तीन रास्ते हैं आप लोगों के पास। ध्यान से सुनिएगा। ये है पहला रास्ता जो सीधा घर के बाहर जाता है। लेकिन अगर मैंने ये रास्ता चुना और मैं इस रास्ते पर निकली तो सीधा थाने जाऊंगी। और
थाने जाकर उनसे ये कहूंगी कि मेरे पेट में इसका बच्चा है। और पूर्णिमा, लास्ट टाइम तो तुम अदालत में जीत गई थी ना, क्योंकि तुम्हारे पास ठोस सबूत था। लेकिन इस बार मैं जीतूंगी, क्योंकि इस बार मेरे पास ठोस सबूत है। और इस बार तो तुम्हारे पति को कम से कम 5 साल की सजा तो मिल ही जाएगी, और इस घर की आधी जायदाद मेरे नाम पर। और घर में रहने की परमिशन, ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर इस रास्ते से जाऊंगी तो लौट कर यही आऊंगी ना। बहुजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, क्योंकि आप तो दरोगा रह चुके हैं, आपको तो ये कानूनी सारी बातें अच्छे से पता होगी ना। एकदम सही कह रही हो तुम। वो क्या है ना कि तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें चलना नहीं इस रास्ते पे। तो ठीक है, चलो। क्या होगा, मैं जेल जाऊंगा ना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। कितना गुस्सा करते हो तुम, थोड़ा शांत रहो, ध्यान से सुनो, क्योंकि बात अभी तक खत्म नहीं हुई है मेरी। बात तो अब शुरू होगी। अगर मैं इस रास्ते से गई तो इस घर की बदनामी होगी वो अलग, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम तो जेल चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा घर, परिवार और पूर्णिमा छोड़ दोगे उसे? कैसे रहोगे? मतलब तुम तो जेल चले जाओगे, और ये लोग बेचारे यहाँ, जरा इन लोगों के बारे में भी सोचो। अब दूसरा रास्ता है ये। अगर बाऊजी मैं गुनेगार हूं, तो उतना ही गुनेगार सिद्धार्थ सिंह तुम भी हो। मुझे इस घर से निकाले जाने की सजा दी जा रही है, तो वही सजा सेट को भी मिलनी चाहिए ना। तो बाबूजी आप एक काम कीजिए, मुझे और सिद्ध, हम दोनों को साथ में इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अब सिद्ध की दुल्हन नहीं बन पाई, ध्रुव जी की दुल्हन नहीं बन पाई, तो कम से कम सिद्ध के साथ बाहर जाकर घर से बाहर भटक तो सकती हूँ। इसलिए मुझे और सिद्ध, हम दोनों को साथ में निकाल दीजिए। और ये रहा तुम्हारे दूसरे रास्ते का जवाब। पूर्णिमा को मैं छोड़ ही नहीं सकता, उसे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। ये है तीसरा रास्ता, जो सीधा घर के अंदर जाता है। अब आप लोग चाहे जो भी रिश्ते से रखिए, ये नाजायज समझ कर रखिए, लेकिन मुझे इस घर में ही रहने दीजिए। और अगर नहीं रहने देंगे तो भी मैं तो यही रहूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि मैं कैसी हूं। मतलब मुझे जो चाहिए होता है ना, वो मैं पाकर रहती हूं। वत्सला, तुम्हें पूर्णिमा की कसम सेठ,
अगर मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए थोड़ी भी फिक्र है, ख्याल है, हमदर्दी है तो यही रुक जाओ। कुछ भी बोलने की और समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाइए वत्सला जी। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।